लंबे की सांस भर रहे। बहुत बढ़िया। देखिए आज क्लास स्पेशल क्लास, सिर्फ लाफ्टर होगा, कुछ नहीं। एक घंटे क्लास में पूरा हास्य होगा, पूरे स्वास्थ्य की रीति, मन बुद्धि शरीर के हर अंग की रीति। तो लाफ्टर योग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लाफ्टर योग के फाउंडर डॉक्टर मदन कटारिया, डॉक्टर मदन कटारिया हैं जिन्होंने सन 1995 में लाफ्टर योग की स्थापना की थी मुंबई के अंदर लोखंड वाला पार्क। स्टार्टिंग की थी इन्होंने 5 मेंबर से, डॉक्टर लोखंड, डॉक्टर कटारिया, उनकी वाइफ और 3 लोग, आज 3 लोग और थे, 5 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और आज वर्ल्ड की 72 कंट्री में लाफ्टर योग चलता है और उसकी 16,000 ब्रांचेस। तो कितना फायदा मिलता है लाफ्टर योग से, ये आप खुद समझ जाएंगे। लाफ्टर योग के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है क्लैपिंग। क्लैपिंग करेंगे हम फिंगर टू फिंगर, पाम टू पाम, उंगली से उंगली, पाम टू पाम स्टार्ट करेंगे। लाफ्टर योगा का अगला स्टेप है ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग करेंगे, पहले मैं करके खाता हूँ, पहले लंबा ब्रीद करेंगे, नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। नाक से इनहेल, मुंह से एक्सहेल, 3 बार ये करेंगे। चौथी बार नाक से इनहेल करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। एक्सहेल करते समय आपको हंसना है, पूरे जोश से 1 घंटे की क्रिया का पूरा लाभ लेने के लिए पूरे जोश से करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इनहेल कीजिए, एक्सहेल, मुंह से एक्सहेल कीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। इनहेल कीजिए, इनहेल, होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। आइए लाफ्टर शुरू करो। अगला स्टेप है चाइल्ड प्लेफुलनेस। एक छोटा बच्चा होता है वो हमेशा बॉडी से हंसता है, जब बड़े हो जाते हैं तो हम हंसते अपने दिमाग से। हमें कोई जोक सुनाता है, कोई कॉमेडी सुनाता है तो हंसते कब है, जब हंसी आती है। लोग कई बार जोक सुनाते हैं, हंसी नहीं आती, क्यों? दिमाग में टेंशन इतनी है, स्ट्रेस इतनी है, हम हंसी नहीं आती। छोटा बच्चा होता है हमेशा हंसते रहता है, हमेशा बॉडी से हंसता है, वो खेलता खेलता हंसता है, वो घूमता घूमता हंसता है, वो हमेशा हंसता है, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। तो आइए आप भी, हम भी, सब मिलकर छोटा बच्चा बनेंगे और खुल के हंसेंगे। छोटा बच्चा कैसे करते हैं आपको पता है ना? वेरी गुड कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये छोटा बच्चा करते हैं, जब करते हैं आप कहीं करते हैं, एक बार कहेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये इसी रास्ते लिए मुस्कुराते हैं। लाफ्टर योगा का 4th स्टेप है लाफिंग एक्सरसाइज। आइए लाफिंग एक्सरसाइज करेंगे। पहले हर एक्सरसाइज को मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, पूरे दिल से करनी है। छोटा बच्चा को बना दिया, छोटा बच्चा बन जाना है घंटे के लिए। जो भी क्रिया करनी है पूरे दिल से करनी है, अपने आप को 200% 500% लाभ लेने के लिए, अपनी जिंदगी खुशनुमा खुशगवार बनाने के लिए पूरे दिल से करनी है। तो आइए पहले हम करेंगे ग्रीटिंग लाफ्टर, हाथ ऐसे करेंगे और आस्ते आस्ते सभी का अपमान करेंगे। पहले आपको दिखाता हूँ मैं 3 स्टेप ऐसे।
पहले ऐसे हाथ करेंगे तो सभी को मिलते हुए सभी का अभिवादन करते हुए हस्त करेंगे। आप लोग एक मूवमेंट करेंगे, ये नहीं मैं तब एक दूसरे करेंगे मूवमेंट, मतलब नेचुरल करना चाहिए, ये नहीं क्लास एक्टिव सब मुझे कर रहे हैं, सारे मुझे करेंगे क्या, आपस में करेंगे, अब घूमेंगे सब करेंगे। उसके बाद अगला इसी में स्टेप है आर्गूमेंट, आप जानते हो सबको आर्गूमेंट करने से बसेंगे शेर के सामने, शेर के से देंगे से फील करना है, अंदर से फील करना है, अंदर से बॉडी के अंदर से। बाहर से नहीं की लस्सी से ऐसे नहीं, लस्सी नहीं पीनी, दुख हो जाएगा प्यार। आइए एक दो सौ रुपया पूरे जोश से ड्रिंक बनाएंगे, तभी मजा आएगा। आइए लस्सी पी लें। लस्सी में चीनी डाली आपने, लस्सी पी चीनी तो बात नहीं, आपके शहर में चीनी रखी बोरी रखिए, बोरिया एक मुट्ठी यहाँ से लीजिए, एक मुट्ठी यहाँ से लीजिए, और फाकी चाहिए
बस ये सेंगे तीन तरह के, अपने बचपन की, जवानी की और बुढ़ापे की। देखिए बचपन में बच्चा कैसा था सबको पता है, सब बचपन से जवान हुए और जवान से अपनी अगली एज में जा रहे हैं। वैसे हम बूढ़े नहीं है, हम सब जवान हैं। बूढ़ा कौन कहता है, हम तो 80 साल के जवान हैं, कोई बूढ़ा नहीं है। लेकिन हमें वही ध्यान करना है जो बचपन में थे, पहले बचपन कैसे ऐसे नहीं है, बिल्कुल दिल खोल के वही हरकतें करनी और पटांग जो करते थे, जो आप करते थे, टांग लाते थे, हाथ उठाते थे, मम्मी वही कीजिए। बचपन कैसे ऐसेंगे, उसके बाद हमें जवानी की, जवानी कैसे ऐसेंगे, उसके बाद बुढ़ापे की, बुढ़ापे कैसे, कुछ चीजें टाल लेंगे, कुछ चीजों की फास्ट रहेंगे, तो बच्चा बनेंगे स्टार किए। जवान हो गए, जवानों ने पूरे जोश से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल वही फेम जो आपने बच्चों जवान में दिया, वही बुढ़ापे देंगे। ये मत समझिए बूढ़े आप तो जवान हैं, आप तो 16 साल थे, लेकिन देना जो आपने वो देना 80 साल। एक बूढ़ा आदमी कह सकता है उसकी फील होगी, बताएंगे आइए अब चलते हैं शेर जी की दुकान पर। शेर जी हैं दुकान पे बैठे हुए, बड़े मस्त हो गए। उनकी शादी 30 साल हो गई, अब 30 साल में उनके यहाँ पिछड़ी कर, 30 साल में उनके यहाँ आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो 30 साल बाद आज उनके यहाँ एक कोई बच्चा होने जा रहा है। बच्चा होने के बाद शेर जी किस पागलपन में खुश होते हैं, 30 साल बाद रिजल्ट आया जी एग्जाम का, देखिए ऐसे पागल शेर जी, मैं दिखाता हूँ आपको। तो शेर जी बैठे हैं दुकान पर, हमसे मस्त होके नौकर आता है, सेठ जी सेठ जी लाड़ हमें हमसे बोल ले करो, क्या बात है, तंग मत कर सेठ जी, खबर दूंगा मजा आ जाएगा, अब तू जा काम कर। सेठ जी आपके ना चुड़ैल लड़के में
लड़का हुआ तो लड्डू तो बनते हैं। तो आइए शेर जी के लड़के होने की खुशी में लड्डू बनाएंगे। हंसते खुशी तो हमें भी हुई, हमारे पड़ोसी आके बनाइए थे। Very good, 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 आपको गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा आपको, तो उसको प्यार कर रहा है। तो आप क्या इमेजिन कीजिए, सामने आपके क्रेडिट कार्ड है, आपने बिल देखा, आपके होश उड़ गए, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा है, क्यों सामने बीवी खड़ी ना, तो चौ से देखिए सामने क्रेडिट कार्ड को बस ये देखिए हंसते कितने अच्छे लगते हैं, आपको मालूम है हंसने कितने फायदे हैं। हंसने से हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी ऑक्सीजन मिलती है कि आप जानते हैं हमारे को रोज 15 मिनट लाफिंग करनी चाहिए। जो आदमी रोज 15 मिनट लाफिंग करता है विद क्लैपिंग, इतनी बॉडी में ऑक्सीजन मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि आपको बीमारी नहीं पड़ेगी। करके देखिए प्रैक्टिकल 5-7 मिनट हम आपको कराते हैं, आपको भी लगता होगा कुछ तो एनर्जी, कुछ तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आई है। तो आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। आप मोबाइल बात कर रहे हैं, सामने आपका फ्रेंड है, उसने आपको ऐसी बात कही, ऐसी ऐसी बात कही कि आप हंसे आ रहे हैं। अपने एक्सप्रेशन दीजिए, अपनी फ्रेंड से एक्सप्रेशन दीजिए, जो आपकी फ्रेंड अपनी बात कहती है और आप हंसी रोक पाते हैं, सामने हंसकर क्या कर रहे हैं, उतने हंस रहे हैं मतलब बिल्कुल। तो फोन आप रखिए कान पे, कान पे फोन रखिए, फोन आ गया, घंटी बजेगी, ट्रेन 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 मैसेज। Take a long breath. Exhale. Aye. अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं। अभी हमने लस्सी पी ली, हम पियेंगे मक्खन खाएंगे। मक्खन वो भी अपना खुद का पिलाया हुआ, उसका तो मजा लगा होता है, अपना मक्खन घर का वो खाया हुआ, क्या मजा आएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप भी इस पोजीशन में होंगे, आपके सामने वही रखा है जो जिसमें दही डालते हैं, पिलौनी रखी है और उससे आप पिलाएंगे, टक टक झूम झूम, टक टक झूम झूम, टक टक झूम, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे तो मक्खन बनेगा, स्पीड से करेंगे तक झूम तक झूम तक झूम तक झूम तक झूम, स्टार्ट करेंगे। आइए पोजीशन में रस्सी होल्ड कीजिए, बनाइए बनाइए मक्खन, टक झूम टक टक, बोलिए बोलिए टक टक झूम टक टक झूम झूम, टक टक झूम झूम, टक टक झूम झूम, टक टक झूम टक झूम, 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 टक टक। मक्खन तो भाग गया, ये इतना मक्खन बन गया, इतने प्यार से बैठा खाइए, खा गए क्या मजा आया।
लीजिए, लस्सी पी तो मजा आया, तो मजा आया। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाते रहिए। अगले सेशन करेंगे, सब लोग पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे सब लोग, और सब लोग पीछे से जब मैं बोलूंगा तो ऐसे करते आएंगे, यहाँ के झुकते सब, सब पीछे जाइए, लाइन भूल जाइए, सब पीछे जाइए, ऐसे करेंगे पीछे, और इकट्ठे होकर आएंगे और आगे ग्रुप बनाएंगे, इकट्ठे होंगे आगे तो ग्रुप बनाए करेंगे, पीछे जाओ पीछे, उल्टे हो जाओ, कोई बात उल्टे हो जाओ, बिल्कुल पीछे जाओ, चले जाओ पीछे उल्टे, ऐसे जाओ पीछे, ऐसे जाओ पीछे, ऐसे जाओ पीछे, ऐसे जाओ पीछे, उल्टे हो जाओ, ये क्रिया आपको तीन बार करनी है, सब लोग मेरे कहने पर ऐसे करते आएंगे, ऐसे भागते भागेंगे, अभी नहीं करनी, पहले दिखा रहा हूँ, सब ऐसे करते आएंगे, सर्कल सब लेंगे, ये जेंट्स लेडीज स्टार्ट करेंगे, तीन बार करने राउंड पूरे दिल से करें, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कीजिए, लगे आपके अंदर कितना जोश है, और दूर से आइए कीजिए, और दूर से आइए, एक वो कीजिए कीजिए, आइए स्टार्ट करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कैसा लगा? अच्छा बोलेंगे तो कैसे करते हैं पतंगबाजी, मौसम भी आ गया, अगला महीना अगस्त का ही है, पतंगबाजी मौसम है, हम भी पतंग उड़ाएंगे, लेकिन पूरी फीलिंग के साथ खड़े होइए, इमेजिन कीजिए पीछे आपको चेला खड़ा है, चर्ची लेके गुरु जी उड़ाओ, अब पतंग उड़ा रहे, पतंग उड़ाइए, पतंग का पूरा मजा लीजिए, पीछे काटिए, पीछे काटने बाद उसका मजा लीजिए, एक काटा कटी तो चुप जाना, वही चाटा पतंग उड़ाइए, आइए उड़ाइए पतंग, लेकिन तब भी हंसता रहो, क्यों हंसते रहना, पर आए कि हंसते रहिए, इतनी एनर्जी आपके अंदर है और इतनी आ चुकी है, ये मत सोचिए गर्मी है क्या, पूरे जोश से कीजिए, लंबी गहरी सांस लें, खाली कर दें, लंबा इन्हेल, एक्सहेल, लंबा इन्हेल, exhale, लंबा inhale, exhale, वापस आइए, अगले से करेंगे रस्सा कसी, आपने स्कूल में रस्सा कसी की होगी, रस्सा कसी खेलते हैं, रस्सा कसी खेलते हैं, तो आप समझिए रस्सा कसी खेल रहे हैं, आप रस्से में खींच रहे हैं, पीछे खींचिए ऐसे, और आपको हाथ खींच दिया तो आपको हंसते हंसते आ गया, ये नहीं कि मैं हार गया, इस तरह से फीलिंग देनी है, पैर से खींचेंगे ऐसे, फिर बाद में वो खींचेगा तो हंसेंगे,
इस तरह खींचेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ऐसा खींचिए. अभी देखो शेर जी को बच्चा हो गया, बहुत खुश है. अब शेर जी बच्चा होने से खुश है. दुकान कपड़े की है, दुकान कपड़े की है. ग्राहक आते रहते हैं मेरे पास, ग्राहक आ रहे कपड़ा मांगने के लिए. तो मैं पहले पकड़ के दिखा रहा हूँ. सेठ जी कपड़ा नाप रहे हैं, उनका साथ से नाप रहे कपड़ा. से कहते हैं मीटर. तो सेठ जी कैसे कपड़ा नाप रहे हैं? एक ग्राहक आया, सेठ जी 100 मीटर कपड़ा. सेठ जी पालो 100 मीटर कपड़ा भाई. तुमने कहा सेठ जी क्या कर रहे हो इतनी जल्दबाजी, तुम तो कपड़ा कम नाप रहे हो. भाई चिंता ना कर, पूरा देंगे. ये ले पूरा भाई. ठीक है, उसके 2-3 महीने करने के बाद फिर शेरी फिर जोश में आते हैं. भूल जाते कितना कपड़ा देना है, पूरा से नापते हैं. नाप लो होता है नाप के 2 गज कैसे. आइए शेर जी, हम ग्राहक आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कपड़ा नापेंगे, स्टार्ट कीजिए. ठीक है भाई, सेंटीमीटर से नापते स्टार्ट करेंगे. देखिए आप मेरे कुछ लोग घर में कुत्ते तो होंगे ना, डॉगी रखते आप लोग, डॉगी कुछ तो कुछ लोग डॉगी होंगे. आपको घुमाते हैं पार्क, कई बार पार्क में डॉगी आपको घुमाते हैं. आप ही मतलब डॉगी को, डॉग चल रहा होता है वो, आप चल रहे हो वो करता है आपको भी. अरे की यार की कर रही थी, कभी आप या पीछे कभी आपका पड़ा डॉगी है डोबर में, कुत्ता चढ़ा कुत्ता है, भेज दिया मैडम आज आप घुमा लो. अब मैडम कुत्ता दे दिया, अब चल गए मैडम लेके, वो भाग रहे मैडम की कर वापस वापस. तो समझिए सबके हाथ में एक डॉगी है, सबके हाथ में एक डॉगी है, उसकी रस्सी पकड़िए, कुत्ते को घुमाइए, आगे जाइए पीछे आइए गिर जाइए. आप तो कुत्ते की बात क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे. लो पकड़ो, मैं कुत्ता पकड़ लो, पकड़ लो बैग, पार्क में तो भैया चलो शुरू कर दो घुमाना. कई बार कुत्ता नहीं घूमता, कुत्ता आपको घुमाए. लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़, लंबा इनहेल लंबा एक्सहेल. आइए हम काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि हमारे माइंड में इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि हमारा माइंड में कुछ बचता नहीं, क्या करें क्या ना करें. उस स्ट्रेस को भगाना, मैं पहले आपको पकड़ के दिखाता हूँ कैसे करना है. सब लोग करेंगे, पहले दिखाता हूँ
एहसास अब समझने कीजिए। देखिए लाफिंग योग करने से 17% हमारे नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं वो कम होते हैं और 27% हमारे पॉजिटिव इमोशंस बढ़ते हैं। तो आपको हर तरह से फायदे मिलते हैं, आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी आती है, इतनी ऑक्सीजन आती है, इससे आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहते हैं। आइए अगले से देंगे गोविंदा जी। आपको पता है आपके सामने कौन खड़े, कोई बंगाली, कोई मद्रासी, कोई कन्नड़, कोई तेलुगु, सब लोग मिले खड़े हैं, किसी को किसी भाषा ज्ञान नहीं। अब भाषा ज्ञान नहीं है, बातें तो करनी है ना, तो क्या करेंगे? अब रिपीट डबली अप डब, कौन सा राग होगा हमारा? शुरू हो जाइए मीटिंग शुरू। कैसी लगी हमारी भाषा, हमें भी समझाना आता है, कोई समझे समझे हमें समझाना आता है, अपनी भाषा बोलेंगे आप अपनी बोलिए, फीलिंग समझते हैं। आइए, वेरी गुड, गुरु डॉक्टर, गुरु डॉक्टर सिंह इसे बोलेंगे सही जब सीधा होगा सही को सीधा सीधा पहले मैं करके दिखाता हूँ, जैसे बोलेंगे आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक, फिर आप बोलेंगे आई लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक, आप स्टार्ट कीजिए, बोलिए आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक, आई लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक, देखिए शशि से हमारा माइंड जो बैलेंसिंग है, हमारे माइंड की जो पावर होती है बैलेंसिंग होती है और हमारे अंदर जो कमर की प्रॉब्लम होती है ये भी एक्सरसाइज होती है, दो एक्सरसाइज होती है, लाफिंग भी माइंड की भी। और आइए आइए अब अगले सेशन करेंगे सुमो, आपको देखते हो चाहिए सुमो एकदम पहलवान, तो वो पहलवान, हम पहलवान से कम कोई है, तो हम भी पहलवान है, हम भी पहलवानी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको कर दिखाता हूँ, ऐसे कर लेंगे, पहले बोलेंगे हो हो, फिर बोलेंगे पहले दिखाता हूँ करके आपको हो हो हा हा, करेंगे स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करिए हो 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 भाई बहुत गर्मी है ना, कितनी गर्मी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आप लोग धन्यवाद, आप बोल सकते कनाडा के, चलते हैं कनाडा में, अब कनाडा में हम गए, बाहर का मौसम पूरा बर्फीला, हम कार में आए, मैं आपको ब्रेक करके दिखाऊंगा कार का, हमने स्विच ऑन स्विच ऑन, मैं तो चाबी घुमाई तो ठंड में आपको पता है टेम्परेचर -40, टेम्परेचर -40 और वो भी कनाडा, और ठंड, आपके हाथ क्या, आपका हाथ ही चाहिए चाबी तो बात, अब फिर चाबी पकड़ी लगाई साल में, फिर लगाई फिर लगाई, फिर कार स्टार्ट हो गई, कार चलाइए उसके बाद घूमिए ग्राउंड के साथ, तो स्टार्ट करेंगे भाई, दरवाजा खोलिए कार में बैठिए चाबी स्टार्ट, आप कहाँ पे हैं, हाथ तो आपके काम में है, फिर भी कोशिश कीजिए, आ जाओ दिल्ली आ गई है तो गाड़ी
आइए, वेरी गुड गुड खड़े हुए अपने वजह बताओ क्या हुआ कुछ नहीं बताया अपने वजह अंदर भी बात याद आ गई कल की कोई जोक याद आया होगा या अपनी बेफ को भी याद आएगा जोक पे लोग कहाँ इतनी टेंशन रहती समाज के अंदर जोक पे तो लोग हंसते हैं जोक सुनाते हैं खत्म हो जाता है लोग खड़े होते हैं भाई साहब क्या हो जोक जो अच्छा सुना दिया चल यार वो आपको खुश करने आए आप खुश करने से फ्री की दवाई फ्री की मलाई नहीं मिल रही है लोग फिर मिल रही तो आइए हंसेंगे सेल्फ इंडिपेंडेंट हंसेंगे अपने आप सेठ जी आप पे सो आपकी जरा दुकान बड़ी है लगाइए हाथ से लगाइए अब बस आप बस भाई मेरे तो क्या हो चुका अपन बजाता मेरी माने पर बेटा हंस ले अच्छा मले उसके बाद आप जाने राजकुमार कैसी हो बता दो राजकुमार वाली हंसी आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट हंसी Ha 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 ha